नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। हम लोग ईवीएस के क्लास फोर्थ के एनसीईआरटी नोट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। चैप्टर 17 तक हम लोग पार्ट फोर तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोग का पार्ट फाइव है। एनसीईआरटी ईवीएस के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर सीटेट के एग्जाम में, और भी टेट के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनकर आ सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसमें जो है पार्ट 18 से 22 तक, चैप्टर 18 to 22 कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 18 से। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और स्क्रीन पे आने वाले बेल आइकन को भी हिट कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको आराम से जल्दी से मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं पार्ट 18, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। इस चैप्टर में बताया गया कि कहीं पे पानी कुछ ज्यादा ही है और कहीं पे बहुत ही कम है। जैसे कि बाजार गांव जो कि महाराष्ट्र में है, एक वहां पे एक बहुत बड़ा वाटर पार्क है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। वाटर पार्क में जैसे कि आप सभी को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बड़े बड़े झूले होते हैं, तालाब में पानी भरा होता है, लोग उसमें खेलते हैं, कूदते हैं, एक तरह से मतलब बहुत सारा पानी है। वहीं पे ही महाराष्ट्र में पानी की बहुत कमी है। महाराष्ट्र में ही ये वाटर पार्क है, महाराष्ट्र में ही पीने योग्य पानी की बहुत कमी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, उसमें लोग लंबी लाइनें लगाकर घंटों ताजे पानी का इंतजार करते हैं, तब जाकर के उनको ताजा पानी मिल पाता है पीने के लिए। कफ परेड नामक स्थान मुंबई में है। कफ परेड नामक स्थान मुंबई में है। साफ पानी में गंदा पानी मिल जाने से हैजा, दस्त, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए पानी को उबालकर ही पीना सुरक्षित माना जाता है, पानी को उबालकर पीना चाहिए। तो जो गंदे पानी से होने वाले रोग हैजा और दस्त हैं, उल्टियां भी होने लगती हैं, तो दस्त होने पर क्या करना चाहिए? दस्त होने पर एक गिलास पीने का पानी उबाल कर ठंडा कर छोटा चम्मच शक्कर और एक चुटकी उसमें नमक डाल देना चाहिए, जैसे कि ओआरएस घोल की तरह उसको बनाकर, और टाइम टू टाइम देना चाहिए, क्योंकि दस्त होने पर या फिर वॉमिटिंग होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो ये पानी की कमी को रिकवर कर लेता है। इसी प्रकार से कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, होलगुंडी गांव जो है कर्नाटका में है, वहां पे बच्चों की एक पंचायत है, भीमा संघ, आज भी ये पंचायत है। वहां पे क्या हुआ था कि पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, तो वहां के लोगों ने बताया, पंचायत बैठी तो वहां के लोगों ने बताया कि ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा टंकी है, लेकिन वो बहुत गंदा हो गया है। तो इसी बच्चों की जो संघ है, भीमा संघ, इन्हीं बच्चों ने मिल करके उसकी खूब साफ सफाई की, मरम्मत की, वहां पे अंदर मछलियां भी पालने के लिए छोड़ दिया और उसको अच्छे से ऐसा ढक दिया ताकि उससे कोई खराब ना कर सके। दो तीन सालों में उन्होंने वर्षा के जल को एकत्र किया और फिर वहां के पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं पाठ 19, जड़ों का जाल। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उन्हें खोदकर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जितनी ही जमीन के ऊपर होती हैं उससे कहीं ज्यादा ये जमीन के नीचे होती हैं, तो इसको जो है खुरपी वगैरह से आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। मूली को आसानी से निकाल सकते हैं, और मूली एक प्रकार का जड़ है, इसी प्रकार से गाजर भी एक प्रकार का जड़ है, तो मूली एक प्रकार का जड़ होता है, इस चैप्टर में हमें पता चलता है। पेड़ों की जड़ें भी बहुत मजबूत होती हैं। पेड़ों या पौधों की जड़ों में पानी न डालने पर, या जड़ों के सहयोग से, जो उनके नीचे जड़ होते हैं उसके सहयोग से पानी अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पेड़ की जो पानी की कमी होती है वहां से उसकी पूर्ति होती है। बरगद के पेड़ लगभग लोगों ने देखा होगा, तो बरगद के पेड़ में जो लटकन यानी कि लताएं निकलती हैं, वो वास्तव में एक प्रकार की जड़ होती हैं। उसकी जड़ जमीन के अंदर भी होती है, लेकिन वो भी एक प्रकार की जड़ होती है जो टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। पेड़ों को काटने से पहले कानूनी रूप से उसकी इजाजत लेनी पड़ती है, लिखित रूप में पेड़ों को काटने से पहले उसकी इजाजत लेना बहुत ही अनिवार्य है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ऑस्ट्रेलिया का एक पौधा है रेगिस्तानी ओक, उसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती है, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं जितना कि वो जो रेगिस्तानी ओक पौधा होता है उसकी 30 गुनी लंबाई से भी ज्यादा उसकी जड़ें गहरी होती हैं, और बहुत ही अंदर से वो पानी को अवशोषित करके अपने जो तने होते हैं उसमें संरक्षित रखती हैं, सुरक्षित रखती हैं, और वहां के लोगों को ये चीज पता है, तो जब भी वहां के लोगों को पानी की समस्या होती है तो लोग पाइप के माध्यम से उसके तने का पानी निकालकर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये पौधा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, रेगिस्तानी ओक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 20, मिलकर खाएं।
बिहू एक त्योहार है जो कि असम में मनाया जाता है। ये त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। इसमें सब लोग मिलकर गीत गाते हैं, भेला घर यानी कि लकड़ियों का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, खूब सारा लकड़ी रख रख के ढेर बना देते हैं, उसको भेला कर कहते हैं, उसको बनाते हैं लोग। बोरा चावल और चेवा चावल रात के उत्सव में खाते हैं। बोरा चावल और चेवा चावल चावल की एक प्रकार की किस्म है जो कि असम में बोई जाती है, असम में इसकी पैदावार होती है। बोरा चावल और चेवा चावल की चावल होता है उसको ताओ यानी कि कढ़ाई में बनाया जाता है और केले के पत्ते से उसको ढककर रख दिया जाता है। उरुका वहाँ पे एक उत्सव है, बिहू के पिछले दिन की शाम को उरुका बोलते हैं, उसी दिन ये चावल वगैरह बनाया जाता है रात में उरुका के उत्सव पे, जो बिहू के एक दिन पहले रात में मनाया जाता है। अधिकतर औरतें जो बिहू के दिन होती हैं पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं और तब भेला घर को जलाया जाता है और लोग उसके चारों तरफ नाचते रहते हैं और केले के पत्तों पर फिर खाना परोसा जाता है, सब लोग मिलकर खाते हैं। मिड डे मील से अधिकतर जो शिक्षक होंगे या फिर शिक्षा की तैयारी कर रहे होंगे सब परिचित होंगे, दोपहर का भोजन मिड डे मील। मिड डे मील में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको फ्री में सरकार भोजन, दोपहर का भोजन उपलब्ध कराती है ताकि उनके अंदर जो पौष्टिक तत्वों की कमी है वो उनको आराम से मिल जाए। भारत एक बहुत गरीब देश है, एक विकासशील देश है, तो उसमें इस चीज की बहुत जरूरत है। जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं उनमें प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से अनाज आता है और कक्षा 6 से 8 तक के लिए ये 200 ग्राम होता है। बच्चों को किसी किसी दिन फल दिया जाता है, किसी किसी दिन दूध दिया जाता है, अलग अलग तरीके के उनके शरीर में सारी चीजों पौष्टिक तत्व मिल सके ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अगला हमारा पाठ है पाठ 21 खाना खिलाना। गुरुद्वारे में जो लोग गए होंगे वो देखते हैं वहां बड़ा बड़ा लंगर चलता है। लंगर क्या होता है? लंगर में सभी लोग मिल करके सेवा के भाव से मिल करके भोजन बनाते हैं, परोसते हैं, साथ में खाते हैं, खिलाते हैं। और जो भोजन में व्यय लगता है, पैसे लगते हैं, सामान लगता है, वो भी सब लोग मिलजुल कर एकत्र करते हैं और फिर सब लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। तो जो गुरुद्वारे में भोजन बंटता है उसको लंगर कहा जाता है। इस जो हमारा ये आज का सीरीज है उसका अंतिम चैप्टर हम पढ़ते हैं, पार्ट 22 दुनिया मेरे घर में। इस चैप्टर में समाज और परिवार की बहुत सारी बातों को इंक्लूड किया गया, इस पे चर्चा की गई है। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि गलत प्रकार से टच वाली जो फीलिंग होती है, बच्चों को उससे जागरूक करना, घर में किसी के एक की ही जबरदस्ती धाक चलाना, ये सारी जो परेशानियां कभी कभी आती हैं उससे इसमें चर्चा की गई है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अगला सीरीज जो कि अंतिम सीरीज होगा क्लास 4th का, वो भी 2-3 दिन में आप लोग को अवेलेबल होगा। कीप वॉचिंग आरएस ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।